continuous price rise of essential commodities is giving the people of Cachar district a sleepless night. The prices of daily required commodities such as rice, onion and potatoes are going beyond the reach of the poor day by day, as their wages continues to remain low at around 100 rupees per day. दिल्ली कितना कमाता है? 120 रुपया। जितना कमाता है उसी में से आपका घर परिवार कैसा चलाता है? पूरा नहीं चल सकता है ना, चलता है। इधर में आम मजदूर लोग बैठा है, मजदूर लोग का जो रेट है वो आज तक नहीं बढ़ रहा है, और जो कमोडिटी का दाम हर रोज बढ़ते जा रहा है। जो चावल मजदूर लोग पहले 14 रुपया 15 रुपया से खरीद करके खाया है, अभी इसी चावल का कीमत हो गया 30 रुपया 40 रुपया। मजदूर खाएगा क्या, बसेगा क्या, उसका लड़का लड़की को पढ़ाई कैसे देगा? द पीपल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हैव बीन कंटिन्यूअसली पुटिंग प्रेशर्स ऑन द गवर्नमेंट टू लिमिट इन्फ्लेशन, बट देयर वॉइसेस गोस अनहर्ड टिल टुडे। जिसका चार तला बिल्डिंग है उसका पास बीपीएल कार्ड है, आम मजदूर का पास बीपीएल कार्ड नहीं है। ये करप्शन है, ये करप्शन को रुकना चाहिए। I want the state government to immediately address the issue of price rise and develop a strategy to minimize the inflation of basic commodities such as rice, onion and potatoes. I'm Ajit Singh, reporting from Cachar, Assam for India Heard.